तो हेलो दोस्तों, टीजे एजुकेशन चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे सोशल साइंस के लेसन नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे इंडिया लैंड एंड पीपल, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की भूमि के बारे में बात करेंगे। प्रिमेटिव मैन केम इन टू एग्जिस्ट इन द ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। ऐसा साबित हुआ है कि सबसे पहले जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति पूर्व साउथ अफ्रीका में हुई। मेस्मराइज बाय द वेरिड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज मैनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू इंडिया, और भारत के समृद्धि से आकर्षित होकर कई सारी जो फॉरेन ट्राइब्स थी या विदेशी प्रजाति वो भारत आई। कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर, और इस हिसाब से हमें यहाँ पर सभी प्रकार की ट्राइब्स के लक्षण और इसके अवशेष मिले प्राप्त है। द द्रविडियंस वेर कंसिडरेड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया, और द्रविडियंस को भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति माना जाता है। बट द मॉडर्न रिसर्चर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द्रविडियंस 6 मोर ट्राइब्स केम एंड सेटल इन इंडिया। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट दैम। तो द्रविडियंस को सबसे एंशियंट ट्राइब्स माना जाता है भारत की, लेकिन अभी रिसेंटली रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि द्रविडियंस से पहले भी यहाँ पर 6 और प्रजातियाँ आई थी और यहाँ पर रहती थी। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नेग्रिटोइड या हफ्सी पीपल। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द निग्रेट्स और नेग्रोज आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो निग्रोस है या जो हफ्सी है वो सबसे पहले सबसे प्राचीन हमारे यहाँ के रहवासी हैं। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। वो लोग अफ्रीका से बलूचिस्तान होकर भारत में आए थे। दे वर ब्लैक हैविंग अ हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो उसकी स्किन थी वो ब्लैक थी, उसकी जो हाइट थी वो 4 से 5 feet थी, और उसको उसके जो हेयर थे वो कर्ली थे। एस्ट्रोलॉइड निषाद पीपल। पीपल ऑफ दिस ट्राइब्स केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया से जो लोग आए थे उसको हम एस्ट्रोलॉइड कहते हैं। देयर फिजिकल फीचर्स वेयर बैक स्किन विथ ब्रॉड हेड एंड फ्लैट नोज एंड शॉर्ट इन हाइट एटसेट्रा। और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शारीरिक लक्षण की बात करें तो उसकी भी चमड़ी थी वो ब्लैक कलर की थी, उसका हेड था वो ब्रॉड था, फ्लैट नोज, और उसकी जो हाइट थी वो काफ़ी छोटी थी। द आर्यंस वो केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद। और जो आर्यंस थे कि जो बाद में भारत में आए वो इन एस्ट्रोलॉइड को निषाद कहते थे। द ओरिजिन्स ऑफ दिस ट्राइब्स लाइक कॉल एंड मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ असम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू द एस्ट्रोलॉइड्स। आज अगर हम बात करें भारत की तो भारत में ये ट्राइब्स के जो लक्षण है वो हमें कोल मुंडा ट्राइब्स में, असम की खासी ट्राइब्स में, और निकोबार और म्यांमार के लोगों के अंदर हमें इस ट्राइब्स के लक्षण मिलते हैं। देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशंस इज इमेंस। उसने भारत की सिविलाइजेशंस, भारत की संस्कृति को रिच करने में, उसको समृद्ध करने में उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत की। वॉर कॉटन क्लोथ्स, वो कॉटन के वस्त्र पहनते थे। दे न्यू मैनी अदर स्किल, उसके अलावा भी उसे कई सारी स्किल उसके पास हासिल थी। दे हैड अ ग्रेट रिलीजियस बिलीफ, और वो बहुत ही चुस्त धार्मिक बिलीफ उसके पास थी। द द्रविडियंस, द द्रविडियंस वेर कंसिडरेड टू बी द क्रिएचर ऑफ हिंदूस वैली सिविलाइजेशंस ऑफ मोहनजोदड़ो एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एरा कल्चर। ऐसा माना जाता है कि सिंधु वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के जो क्रिएटर थे वो द्रविडियंस थे, और ये पाषाण युग के मानवी के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी थे। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चर फीचर्स लेटर ऑन दे वेयर ओनली कॉल्ड द्रविडियंस। तो ये जो द्रविडियंस की जो ट्राइब्स थी वो नॉर्थ से, उत्तर दिशा से आई थी। उसने अपने लैंग्वेज और अपने स्क्रिप्चर के साथ यहाँ पे सर्वाइव किया, यहाँ पर वो रहे, उसको द्रविडियन कहा गया। द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। पिता देवता और माता देवी का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो द्रविडियंस ने हमें दिया। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज अ मदर एंड फादर डेवलप।
तो वहीं से पार्वती का माता और शिवा का पिता का जो कॉन्सेप्ट था वो वहां से डेवलप हुआ। मोर ओवर द ट्रेडिशंस ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। उसके अलावा प्रकृति की पूजा, प्रकृति की जो आराधना है वो भी द्रविडियंस की हमें गिफ्ट है। द ट्रेडिशंस ऑफ वर्शिपिंग विद धूप दीप एंड आरती आर कंसिडरेड टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। और धूप दीप और आरती से पूजा करना ये भी द्रविडियंस ने हमें दिया है। बिसाइड नेचर एनिमल वर्शिपिंग एटसेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स। वो नेचर के अलावा प्राणियों की भी पूजा करते थे। ओरिजिनल डेटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द आर्यंस एंड वेयर री एस्टैब्लिश्ड बाय देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर विद पीस ऑफ टाइम। तो द्रविडियंस के जो देव देवता थे उसको आर्यंस ने भी एक्सेप्ट किया और उसने नई तरीके से री एस्टैब्लिश किया। अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनेलाइज्ड बाय द द्रविडियंस, हैंस द इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस। तो उसके बाद जब आर्यंस की जो इंटेंस इफेक्ट हुई द्रविडियंस के ऊपर और इंटरकास्ट मैरिज की वजह से द्रविडियंस हैड मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली, और द्रविडियंस के अंदर मातृमूलक कुटुंब प्रथा थी। द्रविडियंस प्रोग्रेस अ लॉट इन अ डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग अ बोट, राफ्ट, वेविंग, स्पिनिंग और डाइंग। द्रविडियन उसके अलावा जो बोट बिल्डिंग में, राफ्ट बिल्डिंग में, वेविंग, स्पिनिंग और डाइंग में काफ़ी वो लोग निपुण थे। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर। धीरे धीरे आर्यंस प्रजा की जो डोमिनेंस था, प्रचार था, उसका जो प्रभाव था वो उत्तर भारत में बढ़ता गया, इसलिए वो धीरे 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 साउथ इंडिया में सेटल होते गए। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम एटसेट्रा। तो उस हिसाब से आज हम दक्षिण के अंदर लोगों को द्रविडियन फैमिली की भाषा बोलते हुए, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषा बोलते हुए देख सकते हैं। ये सारी लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली की है। द अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम अबो, मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब्स वेर ऑल्सो देयर इन इंडिया। उसके अलावा भी मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनॉइड ट्राइब्स थी वो इंडिया में आई थी। तो उसमें बात करें सबसे पहले मंगोलॉइड, दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया टिबेट, सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। तो मंगोलॉइड लोग थे वो चाइना से, तिब्बत से होके वो इंडिया में आए थे और वो असम में, सिक्किम में, भूटान में और वेस्ट बंगाल में सेटल हुए थे। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्फ, धीरे धीरे उसने आपका अपने आप का भारतीयकरण किया, इंडियनाइजेशन किया। मंगोलॉइड पीपल पॉसेस द फिजिकल कैरेक्टर्स लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन, उसकी जो चमड़ी का रंग था वो ऑलमोस्ट येलोइश था, उसका फेस था वो फ्लैट था, चुबी चिक्स और आलमंड शेप आई उसके जो थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मंगोलॉइड्स वेयर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वेयर नोन एज अ किरात। मंगोलॉइड की जो चमड़ी थी वो येलोइश थी और उसको किरात के नाम से जाना जाता था। अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये तीनों प्रजातियाँ थी जो मध्य एशिया से आई थी भारत में। ऑल दिस थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज, द ओरिजिन जीन्स ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा। तो ये ट्राइब्स की अगर आप जीन्स की बात करें तो आज भी हम गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा के लोगों में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। द आर्यंस, द नॉर्डिक आर्यंस वेर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत के अंदर आर्य सिविलाइजेशन की शुरुआत आर्य ने की थी। हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशियंट टाइम्स, इन द एरा वेर दे वेर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यव्रत। तो प्राचीन समय में हिंदुओं को आर्य कहा गया था और जिस भाग में, जिस भूभाग में, जिस भूमि में वो लोग रहते थे उसे आर्यव्रत कहा जाता था। एज अ सेवन रिवर्स वेर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रीजन वॉज नेम एज अ सप्त सिंधु। और आर्यन जहाँ जिस रीजन में रहते थे उस भूभाग में, उस भूमि पर सात नदियाँ बहती थी, इसलिए उस प्रदेश को सप्त सिंधु भी कहा गया है। इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट। प्राचीन भारत में जो आर्य लोग थे वो नॉर्थ से लेके वेस्ट तक रहते थे। द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला,
to the east. In the south, it spread up to the Vindhyanchal during the post-Vedic period. उत्तर वेदकालीन समय में अगर हम आर्य की बात करें तो वो ईस्ट में बिहार तक फैला हुआ था और दक्षिण में विंध्यांचल तक वो आर्य के जो रीजन था वो था. दे वेर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कॉन्टेम्प्ररी ट्राइब्स. तो वहाँ पर समकालीन सारी प्रजातियों में वो सबसे ज़्यादा डेवलप थे. दिस वास्ट लैंड वॉज रिकग्नाइज विद द वेरियस नेम्स एज अ भरत मुनि, भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष एटसेट्रा. और ये पूरे जो आर्य की भूमि थी वो अलग अलग नाम जैसे कि भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष के नाम से जानी जाती थी. आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भरत और भरत कुल ट्राइब्स. आर्य के जो बहुत बड़े राजा थे भरत या भरत कुल के नाम से इस पूरी आर्य भूमि को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था. आर्यंस वेयर नेचर लवर्स, दे लव्ड एंड वर्शिप एंड द ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, द सन, द Wind, the rain, they had composed hymns for praying to the various natural elements. तो द्रविड़ की तरह आर्यंस भी नेचर लवर थे. They loved and worship. वो प्यार करते थे, वो पूजा करते थे ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, सन, विंड, रेन, ये सारे प्राकृतिक तत्व की वो पूजा करते थे. They had composed the hymns. उसने रिचास, praying to various natural elements. उसने कई सारी रिचार्ज बनाई थी अलग अलग प्रकृति के तत्वों की पूजा करने के लिए. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रिसाइटेशंस ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड द अदर एक्टिविटीज बिकम प्रिवेलेंट इन इंडिया. तो धीरे धीरे आर्य लोगों के साथ ही वेदों का पठन और यज्ञ यज्ञादि ऐसी सारी जो धार्मिक क्रिया थी वो भारत में शुरू हुई. देयर वॉज अ फाइन अमालगमेशन ऑफ दोज ट्राइब्स विद देयर स्पेसिफिक स्टाइल्स ऑफ लिविंग एंड हारमोनियस कल्चर वॉज फॉर्म विच गेव इंडिया द ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज. तो अलग अलग समय पर भारत में आने वाली अलग अलग प्रजा के अलग अलग कल्चर से भारत की जो कल्चरल हेरिटेज था वो बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही भव्य और बहुत ही समृद्ध हुआ. दिस फॉरेनर्स एंड इंडियन ट्राइब्स अमालगमेटेड इन अ सच अ वे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट दे लॉस्ट देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस. तो ये भारत में रहने वाली और भारत में बाहर से आने वाली प्रजा के बीच में इस तरह से अपने कल्चर का आदान प्रदान हुआ और इंटरकास्ट मैरिज हुआ, इसलिए दोनों प्रजातियाँ थी उसने अपनी जो खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो गंवा दी. आउटसाइडर्स एंड द लोकल पीपल वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स, रिलीजियस बिलीफ एटसेट्रा प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर्स. तो बाहर की प्रजाति और यहाँ की जो लोकल प्रजाति उसके बीच में ये जो आदान प्रदान हुआ भाषा का, स्क्रिप्ट का, नाम का, धर्म का, इसलिए ये सारी जो प्रजाति थी वो आसानी से उसका इंडियनाइजेशन हो सका. सिंस एंशियंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया. तो जो भारत की जो कल्चर है, भारत का जो हेरिटेज है, वो प्राचीन काल से एक ऐसा भव्य और एक बहुत ही दृढ़ बना है. दे ऑल देन बिकम इंडियंस. इन शॉर्ट, इन एंशियंट इंडिया द अमालगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रिच इंडियन कल्चर बार मेकिंग इट वेरीगेटेड एंड प्रॉस्परस. तो यह कह सकते हैं कि भारत की जो कल्चर थी एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से, अलग अलग प्रजातियों की अपनी अपनी कल्चर के प्रदान से, कॉन्ट्रीब्यूशन से एक समृद्ध जो कल्चर थी, समृद्ध संस्कृति बन पाई. अब हम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के बारे में बात करेंगे. ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चरेस्क एंड अट्रैक्टिव. भारत के हेरिटेज के हर एक बात अट्रैक्टिव है और ध्यानाकर्षक है. हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन. किसी भी देश का हेरिटेज है वो इस देश के लिए गौरव बढ़ाता है. इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड बाई कीकिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व. भारत ने भी अपना स्थान दुनिया में अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके और प्रिजर्व करके बहुत ही बड़ा रखा है. दस इट इज़ अ प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सी दैट नोबडी हार्म्स द एंशियंट मेमोरियल्स एंड ऑल्सो प्रिजर्व प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूज. तो एक भारत के नागरिक की तरह ये हमारी प्राइमरी मतलब प्राथमिक और पायस मतलब पवित्र फर्ज है कि कोई भी हमारे ऐतिहासिक महत्व वाले स्थल को हार्म ना करे और हम उसको प्रिजर्व करें.
In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल ड्यूटी में भी आर्टिकल 51 में ये दिया गया है, इन दैट 6, 7 एंड 9 डिस्क्राइब दैट फॉलोइंग ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज. और उसके सब क्लोज 6, 7 और 9 में हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के बारे में ऐसी बातें कही गई हैं. टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्व इट, सबसे पहले हमें अपने कल्चर के जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना पड़ेगा और उसे प्रिजर्व करना है. मेंटेन द फॉरेस्ट टैंक रिवर्स पॉन्ड्स एंड ऑल वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स अलोंग विद द मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपेशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स. हमें फॉरेस्ट टैंक रिवर्स पॉन्ड्स और जंगली प्राणी और बर्ड्स और सारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, उसका हमें रखरखाव करना है और हमें प्राणी मात्र के और दया का भाव रखना है. द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड. हमें ये भी हमारी एक ड्यूटी है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करें और हम हिंसा को छोड़ दें. थस नेचर हैज़ क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप. वी शुड मेंटेन द प्योरिटी सैनिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट्स अवर मॉरल ड्यूटी. तो कुदरत ने हमें काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिए है, तो हमने अपनी मॉरल ड्यूटी समझकर उसकी प्योरिटी और उसकी ब्यूटी और उसकी सैनिटी को बरकरार रखना है. द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. भारत का जो हेरिटेज है वो 1 साल या 10 साल की प्रोसेस नहीं है, लेकिन लंबे समय से भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है. नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड एब्यूडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया. कुदरत ने भी भारत को कई सारी प्रॉस्पेरिटी दी है. इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल फील्ड्स फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियाज पिक्युलर नेचुरल स्ट्रक्चर. भारत को भी विशिष्ट कुदरती स्ट्रक्चर के आधार पर कई सारी विकास करने की अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई है. इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज. तो ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो हेरिटेज है वो भारत के लोगों का लंबे समय का सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड के विकास का ही परिणाम है. थैंक यू. जय हिंद.